जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सबका। शुक्राना टू गुरुजी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी और मुझे ये चांस देने का कि मैं अपने सत्संग और अपनी ब्लेसिंग सबके साथ शेयर करता हूँ। गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं शायद से सिर्फ एक सरफेस टच कर पाऊंगी आज के सत्संग में। मैं गुरुजी कि एक रूल फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट में सत्संग करें, तो मैं बहुत सारे सत्संग लेकिन शॉर्ट में करूंगी। और मुझे अगर मैं कुछ गलत बोलूँ या अगर कुछ मुझसे भूल हो जाए तो माफी चाहती हूँ संगत जी एंड गुरु जी। तो मैं शुरू करूंगी। जब हम पहली बार गुरु जी से मिले थे तो 2006 में मेरे पापा चौधरी अंकल और मम्मा पहली बार गुरुजी के पास बैसाखी के टाइम पे गए थे, जैसा कि आपने शायद इनके सत्संग में सुना होगा कभी। तो वो पहली बार खुद अकेले गए थे बिना मेरे और मेरे भाई के, और कुछ टाइम तक वो अकेले ही जाते रहे, शायद एक दो महीने तक, और बहुत लेट वहां से आते थे। बट हमें बताते थे कि हम ऐसे गुरुजी के पास जा रहे हैं, वहां लंगर मिलता है, शब्द मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं वगैरह, सब कुछ डिस्क्राइब करते थे, लेकिन हमें लेके नहीं गए कुछ टाइम तक। उस कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा चलो अब तुम्हें भी लेके चलते हैं। तो पहली बार जब मैं गई वहां पे तो बाहर खड़े थे हम लाइन में, और पापा ने मुझे कहा कि ये बहुत पावरफुल गुरुजी हैं बेटा, आपको कुछ भी मांगना हो तो आप इनसे मांग लेना। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ऐसे था कि जैसे जनरली मंदिर जाते हैं, कुछ गुल्लक में पैसे डाले, मांग लिया भगवान से, दिया नहीं दिया कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उस तरह उसी एटीट्यूड के साथ में मैंने सोचा कि कुछ मांगना है। तो मैं टीनेजर थी उस टाइम, 12th स्टैंडर्ड में थी, तो फेस पे पिंपल्स वगैरह होते थे, तो मैंने सोचा कि ये मांग दूंगी कि ये पिंपल्स हटा दे। तो वहां गई, मत्था टेका गुरु जी के आगे, मैंने अभी मुंह खोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, गुरु जी ने बहुत जोर से डांटा और बोला लंगिया ना कर, कम खराब कर लेंगी। तो सच बताऊं तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने बोला क्या। तो उनके साइड में चरण सेवा में कोई एक अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा कि बेटा इसे मांगते नहीं है, आप जाके बैठ जाओ। मेरे कंफ्यूज से चेहरे को देख के उन्होंने समझा दिया, तो मैं जाके बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या कहा था, तो मुझे लगा कि डांट क्यों रहे हैं, मतलब नहीं देना था तो नहीं देंगे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पता नहीं क्यों डांट रहे हैं। बट अब जैसे जब मैं पीछे देखती हूँ और सोचती हूँ उस बारे में, तो मुझे रियलाइज होता है कि गुरुजी के मुंह से निकला एक एक शब्द कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो अगर कुछ देंगे तो वो सच में देंगे, और फिर कितना ट्रू रहेगा वो हर एक एक शब्द। तो मेरा मांगना और उनका देना लाइक पैरेलली चलते, तो इसलिए उन्होंने मुझे डांटा कि मांगो नहीं। तो पहली बारी गए तो उस टाइम पे मुझे शब्द बहुत अच्छे लगे, लंगर बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में किसी मंदिर में इतना डिसिप्लिन फॉलो हो रहा था, और गुरुजी पूरे एकदम अलग टाइप का सब कुछ एनवायरनमेंट था। गुरुजी होते हुए कोई प्रवचन नहीं सुना रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि ऐसा करो वैसा नहीं करो वगैरह। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मुझे बुरा लगा कि उन्होंने मुझे इस तरह से डांट दिया था। बट एनीवेज, क्योंकि सब बाकी के सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे लगे, तो मुझे मंदिर जाना फिर भी अच्छा लगता रहा। कुछ टाइम के बाद में मुझे ये कन्विंस हो गया कि हो सकता है कि जो मैं मांगने वाली थी वो गलत था, तो मैं इस बार कुछ अलग मांगने की कोशिश करूंगी। तो अगली बारी फिर से मांगने की कोशिश करी, फिर मुझे डांट पड़ गई, और मैंने अगेन कुछ मांगा नहीं, अपने मुंह से कुछ निकाला नहीं। पहले ही गुरु जी को पता था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, और उन्होंने पहले ही डांट दिया। तो ये मेरी लाइफ का एक तरह से थीम बन गया कि मंगया ना कर, कम खराब कर लेंगी, जो कि मुझे अब जाके समझ आता है कि गुरु जी क्या कहना चाह रहे थे और उन्होंने क्यों मुझे दो बार इस तरह से डांटा। बट एनीवेज, मैं जाती रही गुरु जी के पास, एंड धीरे धीरे मुझे उनके ऊपर भरोसा, मतलब विश्वास होना शुरू हुआ। बट एक बार हम बैठे थे और किसी संगत ने सत्संग सुनाया, और उन्होंने कहा कि गुरुजी जो है वो शिवजी का रूप है।
तो मैं बचपन से शिव जी की बहुत पूजा करती थी और बहुत शिव जी को मानती थी. शिव जी मेरे फेवरेट भगवान थे, मेरा उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन था. तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये किसी इंसान को, ये अंकल या आंटी जो भी थे, वो ऐसे शिव जी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं. तो बट मैंने सोचा कि चलो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि गुरु जी सच में शिव जी है या नहीं है. अगेन मेरा थोड़ा बचपना सा था तो मैंने पहले जब हम मंदिर में बैठे थे तो गुरु जी दूसरी तरफ कहीं देख के किसी से बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन में बहुत सीरियस फेस बना के कुछ बात कर रहे थे और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी हुई थी. तो मैंने कहा, मन में सोचा कि आप शिव जी हैं तो आप हमारी सारी बातें सुन सकते हैं, तो आप मेरी तरफ देख के स्माइल कीजिए. आप मानेंगे नहीं, मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर गुरु जी ने एकदम से मेरी डायरेक्शन में देखा और बहुत प्यारी सी स्माइल दी. तो मैं एकदम डर गई कि ये क्या हुआ और मैं नीचे छुप गई दूसरे लोगों के आसपास. बट फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि नहीं नहीं ये तो कोइंसिडेंस था. ऐसा मैंने दो बार करा, दो बार गुरुजी ने मेरी बात मान ली. उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि अच्छा ये लास्ट टेस्ट है कि हर बार जब मैं और मेरा भाई गुरुजी के मंदिर जाते थे तो गुरुजी ना लंगर की फर्स्ट राउंड लंगर के बाद हमें घर भेज देते थे, पर जब भी मम्मी पापा जाते थे तो बहुत लेट तक रुकते थे. तो उस दिन मैंने सोचा कि अगर आज गुरुजी हमें 12 बजे तक रुकेंगे तो मतलब कि वो सच में शिव जी का रूप है, सच में मेरी हर बात सुन सकते हैं और लाइक आज से मैं ये बात पक्का पूरी तरह से मान लूंगी, कोई और टेस्ट नहीं लूंगी कि वो शिव जी है. और उस दिन गुरुजी ने सच में हमें 12 बजे तक रोका और सिर्फ रोका ही नहीं, मुझे ये पूरी तरह से इंडिकेट करा कि मैं जानता हूं कि तुम्हें 12 बजे तक रुकना था. इस तरह से कि जब मैं मत्था टेकने के लिए गई, जब उन्होंने पहले एक बार रोका, फिर एक टाइम पे आके उन्होंने बोला चलो, तो हमारी फैमिली को बुलाया तो मम्मी पापा दोनों गए, कुछ नहीं कहा गुरुजी ने. जैसे ही मैंने मत्था टेका तो अपनी साइड में किसी को, किसी संगत को से बात करते हुए बोलते, और फिर बज गए 12, हो गया तेरा हैप्पी बर्थडे. तो वो उस संगत को बर्थडे विश कर रहे थे बट दूसरी तरह से मुझे बता रहे थे कि मैं 12 बजे तुम्हें वापस भेज रहा हूँ. एंड उस दिन के बाद से मुझे पूरी तरह से भरोसा हो गया कि ये शिव जी ही है. और मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लग गया कि अब मुझे जब भी मैं मंदिर में बैठी हूँ तो अपने थॉट्स एकदम क्लियर रखने हैं, ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं सोच सकती मैं, ताकि क्योंकि गुरु जी हर एक एक बात मेरी सुन रहे हैं. बट ऑल्सो मुझे गुरु जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरी इतनी बचपने वाली बातों में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ उस टाइम ही नहीं, मेरी पूरी लाइफ वो ऐसी छोटी छोटी सी जो मैं बातें सोचती रहती हूँ उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं. तो उसके बाद मैं 12th स्टैंडर्ड में थी जैसा कि मैंने कहा. तो गुरु जी ने मुझे 12th में, जैसे बच्चों को होता ही है थोड़ा सा नर्वसनेस कि मेरे अच्छे मार्क्स आए और ये सब, तो गुरु जी ने मुझे मेरे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सैटरडे, यूजुअली हमारी फैमिली संडे को जाती थी बट हमने स्पेशल परमिशन ली और हम मैं सैटरडे को गई उस दिन गायत्री आंटी जिन्होंने हमें पहली बार गुरु जी से मिलवाया था उनके साथ स्पेशली, ताकि संडे को मैं आराम से रेस्ट कर सकूं और मंडे से मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे. तो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स करी, मुझे बोला कि मतलब मुझसे बात करी कि कौन सा एग्जाम है, अच्छा चलो ऐश करो, ब्लेसिंग हो गई. और फिर एक्स्ट्रा कड़ा प्रसाद खिलाया उस रात को और मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए, जिस तरह से मैं मेरी पढ़ाई होती थी उसके हिसाब से ठीक ठाक मार्क्स आए. उसके बाद 27th May 2007 को गुरुजी ने हमारे घर पे सत्संग कराया था, जस्ट चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले. जैसा कि पापा ने उसके बारे में काफी सत्संग किए हुए हैं, बट मेरा सत्संग उस दिन के बारे में ये है कि उस दिन मेरा एक इंजीनियरिंग का एग्जाम था और मैं एग्जाम देके आई, मेरा बहुत खराब एग्जाम हुआ था. तो मैं थोड़ा सा गुरुजी से एक तरह से नाराज भी थी, बट ऐसे कुछ नहीं था, थोड़ा सा मेरा मूड खराब था. तो उस रात को मैं, पापा ने मुझसे पूछा था कि मंदिर चलना है, तो मैंने मना कर दिया जाने से.
ऑल्दो मुझे उस बात का कभी कभी रिग्रेट होता है कि मैं एक लास्ट टाइम गुरुजी से मिल नहीं पाई, बट ऑन दी अदर हैंड गुरुजी ने पापा को बहुत लेट तक रोका था उस रात को और बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी, तो शायद अगर मैं उनके साथ होती, और ऑब्वियसली हर चीज जो है वो गुरुजी की मर्जी से होती है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही मुझे नहीं बुलाया था उस दिन, बट उस दिन पापा को उन्होंने जोड़े का प्रसाद दिया था। तो जब सुबह 4-5 बजे जितने बजे पापा घर वापस आए थे, उसके बाद से ना मैं, हमारा डुप्लेक्स घर था तो ऊपर के फ्लोर पे मैं सो रही थी और मुझे बहुत बहुत जोर से फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस कि मुझसे मुझे नींद नहीं आ पा रही थी। तो अल्टीमेटली एक टाइम पे पापा आए ऊपर और उन्होंने पूछा कि अच्छा जाग रहे हो, तो मैंने कहा हाँ मैं जाग रही हूँ, तो उन्होंने कहा आओ मैं दिखाता हूँ मुझे क्या मिला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जोड़े का प्रसाद मिला है, और तब मुझे समझ आया कि इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मुझे कहाँ से आ रही थी। तो हाँ, तो हमें गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। चूल्हा छोड़ने से कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मतलब मेरी क्या मैं आगे पढ़ाई करूंगी वगैरह हमने उनसे पूछा था, तो गुरुजी ने पहले मुझे लॉ करने को बोला, बट हमने पूछा कि इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि मेरा लॉ करने का कोई प्लान नहीं था, तो गुरुजी ने कहा चलो इंजीनियरिंग कर लो कोई बात नहीं। तो इंजीनियरिंग के लिए तो उन्होंने ब्लेस कर दिया, बट उन्होंने साथ में ये भी बोला कि घर से बाहर नहीं जाना। तो बट मैं कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, ना मेरे कोई बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे, तो मेरा कोई बहुत अच्छे कॉलेज में आसपास में हो नहीं पाया एडमिशन। जहाँ हुआ वो काफी दूर का कॉलेज था, एक साउथ इंडिया में कोई कॉलेज मिला, बट उसकी एक ब्रांच थी जो कि मैं जगह भूल गई हूँ, बट नोएडा से कुछ 2-3 घंटे दूर थी, तो घर से कम्यूट करना तो पॉसिबल नहीं था उस कॉलेज में भी। बट हमने फिर भी कोशिश करी, हमने सोचा चलो वीकेंड पे आके एक तरह से घर पे रह रहे हैं टाइप हो जाएगा, बट अल्टीमेटली जैसे कि गुरुजी ने निकालना ही था रास्ता घर पे रहने का, तो उन्होंने निकाल दिया और मेरा गुड़गांव में कॉलेज में एडमिशन हो गया। घर से बाहर नहीं जाना ये कब तक के लिए लास्ट करेगा ये भी हमें नहीं कोई आइडिया था, क्योंकि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। बट एनीवेज मैं ये कॉलेज जाती रही, और फिर गुरुजी ने एक टाइम पे मेरे थर्ड ईयर में कॉलेज के एक जो हमारी स्ट्रीम की बेस्ट कंपनी थी वो आती थी, थर्ड ईयर में वो कुछ स्टूडेंट्स को, पहले जो टॉप 40 स्टूडेंट्स होते थे उनको एक स्पेशल प्रोग्राम में डालती थी, और पूरी हिस्ट्री में सिर्फ वो ही जो 40 स्टूडेंट्स होते थे उनमें से ही कोई एक कुछ बच्चे उस कंपनी में काम करने के लिए अल्टीमेटली सिलेक्ट होते थे। मेरा रैंक 41st था और मैं सिर्फ कुछ बहुत कम मार्क्स से उस प्रोग्राम में क्वालिफाई होने में रह गई। तो जिस दिन ये सारी बात मुझे पता लगी, उस दिन गायत्री आंटी मुझे पिक करने आई थी कॉलेज से, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा और फिर कैसे चल रहा है कॉलेज वगैरह, तो मैं एकदम से रो पड़ी कि ऐसे ऐसे था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत कम मार्क्स से रह गई, मैं बहुत दुखी थी। तो गायत्री आंटी जो कि गुरुजी के पास बहुत पहले से जानती जा रही थी और मुझसे काफी ज्यादा मेच्योर थी और समझती थी गुरुजी की पावर्स को, शक्ति को, सब चीज को, तो उन्होंने कहा देखो अगर गुरुजी चाहते होंगे ना तो आपका इसी कंपनी में जॉब आपको मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि शायद ना गायत्री आंटी को समझ नहीं आया है कि ऐसे नहीं हो सकता है, जिन बच्चों को सिलेक्ट किया है उन्हीं में से किसी को जॉब मिलेगी, मुझे शायद से अभी कंपनी में जॉब ही नहीं मिलेगी, दैट इज जो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये पूरी बात जा रही है। पर एनीवेज वो जो 40 बच्चे थे उनको स्पेशली सैटरडे संडे को आना होता था कॉलेज और पढ़ाई एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती थी, बट उस टाइम पे मुझे गुरुजी की सेवा मिल गई, संडे को मैं सेवा में जाने लग गई, तो मैं सेवा में जाती थी और वो बच्चे कॉलेज जाके पढ़ाई करते थे। जब वो कंपनी एक्चुअली में हायरिंग के लिए आई, तो उन्होंने वो 40 में से
25 बच्चे या कुछ ऐसे सिलेक्ट करे एंड उनके अलावा दो और बच्चे सिलेक्ट करे जो उस प्रोग्राम में नहीं थे, उनमें से एक मैं थी। तो गुरु जी ने, मतलब गायत्री आंटी की बात सच निकली कि गुरु जी ने चाहा तो मेरी उसी कंपनी में जॉब लग गई, चाहे मेरा वो एक्स्ट्रा प्रोग्राम में टाइम वेस्ट, जिसको मैं कहूंगी आज लुकिंग बैक कि मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं कराया, वो अननेसेसरी प्रोग्राम में पढ़ाइयां करा के उन्होंने ऐसे ही ब्लेस कर दिया कि साइड में से उन्होंने जॉब दिला दी। उसके बाद जब मेरी वो कंपनी में जॉब लग गई तो मुझे गुरु जी ने सिर्फ पूरे मेरे कॉलेज में से सिर्फ मैं अकेली थी जिसको एक ऐसी टीम में डाल दिया जो कि यूके जाने वाले थे लंदन काम के लिए 3-4 महीने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि गुरु जी ने अब वो घर से बाहर नहीं जाना वाला जो उनका एक रिस्ट्रिक्शन थी वो लिफ्ट करवा दी है, अब मैं घर से बाहर जा सकती हूँ शायद। तो मैं गई और सब ठीक रहा और वापस आ गई। उसके बाद काफी टाइम तक मैं सेवा में जाती रही गुरुजी के, बट एक पॉइंट पे आके सेवा बंद हो गई मेरी जिस भी रीजन से। तो उस टाइम पे मेरा बहुत मन था कि आगे कुछ पढ़ाई करूं, कि मैं MBA करूं। बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग से थोड़ा सा मन हट चुका था, जो शायद से गुरु जी को पहले से ही पता था, बट उन्होंने फिर भी मुझे उस डायरेक्शन में जाने दिया। तो मैं MBA करना चाह रही थी बट मैं अगेन बहुत कोई पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो IIM वगैरह तो मुझसे शायद से क्लियर नहीं हो पाता। बट एनीवेज मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया अपनी MBA के लिए, क्योंकि अब संडे थोड़े फ्री हो गए थे मेरे, मैं मंदिर तो जा नहीं पा रही थी। तो मम्मी पापा ने भी एनकरेज करा कि हाँ बेटा पढ़ाई कर लो, अपने आप से GMAT वगैरह की तैयारी कर लो। तो मैंने तैयारी करी और मेरा GMAT में ठीक ठाक मार्क्स आ गए एंड फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहती थी। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देखा कि क्या सिस्टम है वगैरह, बट मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहती थी उस पर। तो मैं स्कॉलरशिप्स की कोशिश कर रही थी। अल्टीमेटली गुरुजी ने मुझे स्कॉलरशिप दिला दी, और स्कॉलरशिप ही नहीं 90% स्कॉलरशिप दिला दी। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा जो पढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट फ्री करा दी उन्होंने। और मैं US आ गई। US में अपस्टेट न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी में आई, वहां पढ़ाई करी। उसका ना बहुत ज्यादा नाम नहीं था यूनिवर्सिटी का, बट क्योंकि मुझे 90% स्कॉलरशिप मिल रही थी तो मैंने इसी यूनिवर्सिटी पे स्ट्रिक्ट रही कि कोई बात नहीं, अगर मुझे जॉब नहीं भी मिलेगी बाद में तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से ठीक ठाक डिग्री वगैरह लेके तो मैं वापस ही आ जाऊंगी अगर नहीं मिला कुछ तो। बट मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे आए, मैं पढ़ाई में अच्छी हो गई एक्चुअली यहाँ आके, MBA अच्छा सा अच्छे से मार्क्स वगैरह के साथ करा। उसके बाद जब आप ग्रेजुएट करते हो यहाँ US में तो आपको ना एक कुछ टाइम पीरियड मिलता है, आई थिंक 60 days या कुछ ऐसा, जिसके अंदर अंदर आपको जॉब ढूंढनी होती है और आपको एक डेट बतानी होती है ऐसे ही गेस करके ग्रेजुएशन के बाद कुछ नंबर ऑफ डेज के अंदर अंदर कि कब आप अपनी जॉब स्टार्ट करोगे। तो लोगों को ऐसी रैंडम कैलकुलेशंस करनी होती है कि कब हमें जॉब मिलेगी टाइप। तो कुछ जून या जुलाई की डेट अगर चूज करनी हो तो हम लोग क्या ही चूज करेंगे, 7th जुलाई। तो मैंने 7th जुलाई की डेट चूज कर ली कि मेरी जॉब 7th जुलाई को लग जाएगी। उसके बाद मैं काफी टाइम तक इंटरव्यूज वगैरह देती रही, कोशिश करती रही, थोड़ा मुश्किल रहा बट अल्टीमेटली गुरु जी ने मुझे जॉब दिलवा दी अपने कॉलेज की एक मेरे यूनिवर्सिटी के किसी एक सीनियर ग्रेजुएट पर्सन के थ्रू जो कि EVP था उस कंपनी में। उसने खुद मुझे मैसेज करा और पूछा तुम्हें जॉब चाहिए क्या, जो कि कभी नहीं होता है। कौन अपनी तरफ से आके पूछता है किसी ग्रेजुएट हुए बच्चे से जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है MBA में,
उससे खुद पूछ रहा है वो कि तुम्हें जॉब चाहिए, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया और गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग करी कि इंटरव्यू के टाइम पे मुझे पता नहीं एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया और मैं ऐसे से जवाब दे रही हूँ जो बाद में मैं सोची मुझे इस बारे में पता भी था मैंने कहाँ से ये आंसर दे दिया, बट एनीवे गुरु जी ने ब्लेस किया है तो होना ही था। और 7 जुलाई को जो कि वेंसडे या कुछ ऐसा था, नॉर्मल दिन नहीं था जॉब स्टार्ट करने का, बट उन्होंने मुझे बोला 5 जुलाई को स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कहा नहीं मैं 7th को स्टार्ट करूंगी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं 7th को आप स्टार्ट करो, तो मैंने 7 जुलाई को अपनी यहाँ पर जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद यहाँ पर एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें आपको H1B का वीजा वगैरह लॉटरी में निकलता है, तो अब लॉटरी मतलब की गुरु जी की मर्जी, तो मैं अपनी जॉब के साथ में मैंने अप्लाई करा वो लॉटरी में। उसके बाद मतलब मैं थोड़ी सी डाइसी थी तो मैं अपनी लाइफ में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर रही थी, जैसे घर में कुछ फर्नीचर खरीदना हो या कुछ छोटी मोटी चीज खरीदनी हो, तो आई वाज लाइक नहीं नहीं पता नहीं है कि मैं रुकूंगी यहाँ इस कंट्री में या नहीं, ये तो गुरु जी की मर्जी है। तो काफी सारे इंडियन बच्चे जो होते हैं वो कुछ अलग जुगाड़ निकाल लेते हैं यहाँ रुकने का, जिसमें कि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि अगर नहीं लगा पहली बारी में हमारा वीजा तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, बट मैं अपने दिमाग में क्लियर थी कि मैंने गुरुजी से क्योंकि मांगना भी नहीं है, जो गुरुजी देंगे वो चुपचाप से ले लेना है, तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो मेरा पहली बारी में ये लॉटरी में निकल आएगा नाम, और अगर नहीं आया तो क्लियर इंडिकेशन है कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं, तो मैं नहीं रुकूंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। तो इस समय बीच में एक टाइम पे क्या हुआ, मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने गई, तो एक बार गई, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था ऐसा कह के वापस भेज दिया, और मैं न्यूयॉर्क जर्सी सिटी एरिया में रहती थी तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मैं ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस लेने गई थी। एक बार दोबारा में गई तो मैं सैटरडे को सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गई, मैं लाइन में लगी, पूरा प्रोसेस एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया, फिर वो दूसरी लाइन में लगा देते हैं, बट वो 12 बजे तक उनका विंडो जो है वो क्लोज हो जाता है। तो मैं लाइन में सेकंड लाइन में जब खड़ी थी तो मेरा नंबर बहुत पीछे का था, कुछ 60-70 कुछ ऐसे करके नंबर था, तो कोई चांस ही नहीं था, 11:30 बज चुके थे, 12 बजे वो बंद कर देते हैं, तो कोई चांस ही नहीं था कि मेरा नंबर आ जाता। मैं लाइन में खड़े होकर गुरु जी को पूछ रही थी कि गुरु जी अगर आज मेरा लाइसेंस नहीं मिला तो मैं दोबारा नहीं आ रही यहाँ पे, ये एक तरह से मेरे लिए इंडिकेशन हो जाएगा कि मैं वापस घर जा रही हूँ, मेरा H1B नहीं लगेगा, और मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे ही मन में सोच रही थी, बट मैं ये भी साथ में सोच रही थी कि मैं ये आधा घंटा भी यहाँ खड़ी रहूं या मैं घर चली जाऊं अभी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरु जी, मैं 12 बजे तक पूरा वेट करूंगी लाइन में खड़े होके, ताकि ऐसे नहीं कि मैंने पहले गिव अप कर दिया, बट अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना आज तो एक तरह से मेरे दिल में मुझे एटलीस्ट एक इंडिकेशन हो जाएगी कि मेरा शायद यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है US में। इतने में कोई बंदा आया, वो मेरे आगे पीछे लोगों से पूछा आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है, और एकदम से मेरे पास आया, बोलता आपका नंबर ये है, मैंने कहा हाँ, उसने कहा आपको मेरे से स्विच करना है, मेरा नंबर पता नहीं उसने क्या बोला था बट कुछ बहुत आगे का नंबर बताया उसने, ऐसे 15-16 कुछ ऐसे बताया, तो ऐसा कौन करता है, रैंडमली आके उसने मेरे साथ नंबर स्विच कर लिया और मैं आगे लाइन में लग गई और मेरा लाइसेंस बन गया उस दिन, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी लाइसेंस की, मैं ऐसे ही गुरु जी के साथ में बातें कर रही हूँ और गुरु जी इतने प्यारे कि वो मेरी उन बातों को सुन भी रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, किसी रैंडम बंदे को भेज भी दिया उन्होंने और मेरा लाइसेंस भी बनवा दिया। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पे थोड़ा और टाइम रुकूंगी इस कंट्री में, और ऑब्वियसली मेरा H1B लग गया यहाँ और मैं चलती रही आगे, और मेरी जॉब न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में लगी थी जहाँ गुरु जी की संगत इतनी सारी है और इतनी हेल्पफुल इतनी प्यारी है, उन्होंने मुझे हर टाइम साथ दिया,
जो गुरु जी ने कहा था घर से बाहर नहीं निकलना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहते हुए मैं घर से बाहर नहीं निकली, बस मेरे रिश्तेदारों के चेहरे बदल गए हैं। संगत इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। यहाँ एडिसन में मंदिर है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लाइसेंस का गाड़ी नहीं थी, तब हमें एक आंटी मिली एक दिन, पिंकी आंटी, संगत में उन्होंने मुझे घर छोड़ा एक दिन। उसके बाद से उन्होंने अपनी ड्यूटी बना ली, मुझे हर संडे को पिक करते थे, हर संडे को ड्रॉप करते थे घर तक। और ये प्रोसेस पूरे 2-3 साल तक चलता रहा, अंटिल वो कहीं दूर शिफ्ट हो गए मंदिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब तक वो मुझे रोज लेके आते थे, रोज हर संडे लेके आते थे, वापस छोड़ते थे। और बहुत प्यारा एक रिश्ता सा बन गया था उनके और उनकी फैमिली के साथ। कभी कभी थर्सडे को भी मैं उनके साथ मंदिर जा पाती थी। तो गुरु जी ने हमेशा मुझे अपने साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रखा। उसके बाद जब वो आंटी कहीं मूव हो गए, तो एक दूसरे आंटी मिल गई जिनके पास गाड़ी थी, तो वो रेणु आंटी जो मुझे लेके आती रही, लेके वापस जाती रही। जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मुझे गुरु जी ने अपनी संगत के थ्रू मंदिर बुलाते रहे, वापस ले जाते रहे। उसके बाद अभी रीसेंट टाइम में और भी गुरु जी ने मुझे ये दिखाया कि कैसे संगत जो है वो मेरी एक फैमिली है। 2021 में मैं मतलब हम लोग ने डिसाइड करा कि मैं शादी करना चाहती थी। तो जो लड़का है वो भी यहीं रहता है, और बट जब से मैं छोटी थी तब से मेरा एक बिलीफ था कि शादी छोटी सी होनी चाहिए, सिर्फ क्लोज फैमिली के साथ होनी चाहिए, बहुत बड़ा फंक्शन वगैरह जैसे बहुत दिखावा करते हैं लोग, वो सब नहीं चाहिए था मुझे। मुझे बहुत छोटी सी शादी चाहिए थी जिसमें बहुत बहुत क्लोज सिर्फ फैमिली मेंबर्स और सिर्फ क्लोज लोग आए, और बहुत सारे कोई अननोन लोग ना पहुंचे, एंड ताकि बस एक इच्छा थी इस तरह की। तो 2021 में हमने जब शादी का सोचा, तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो थोड़ा सा पहले ही माहौल थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। तो एक पहले हमने डेट पे सोचा था शादी करने का, बट फ्लाइट्स वगैरह नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था, तो उस चक्कर में हम नहीं कर पाए। फिर नवंबर में पता लगा कि यूएस की फ्लाइट्स खुल गई हैं इंडिया से, बट मेरा और मेरे हस्बैंड जो अब हस्बैंड है दोनों का उस टाइम पे वीजा स्टैम्पिंग वगैरह का कुछ चक्कर चल रहा था, तो हम इंडिया नहीं जा पा रहे थे। तो सबने मिलकर डिसाइड करा कि यही न्यू जर्सी में शादी कर लेते। तो उस टाइम पे एक्चुअली न्यूज में सिर्फ इतना आया था कि नवंबर में फ्लाइट्स खुलेंगी, उन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी किस डेट पे, बट हमें प्लानिंग करनी थी, तो ऐसे ही हमने डेट चूज करी 14th नवंबर। ऑब्वियसली गुरु जी ने ब्लेस करा था, तो 9th नवंबर को फ्लाइट्स खुल गई, और मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा सब लोग ट्रैवल करके आ पाए। इवन दो शुरू में पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था कि ये वैक्सीन वो वैक्सीन अलाउ होगा नहीं होगा, सारी बातें इधर उधर वो हो रही थी, बट गुरु जी ने ब्लेस करा है तो होना ही था, तो सब लोग आ पाए शादी में। सिर्फ यही नहीं, शादी पूरी की पूरी गुरु जी और गुरु जी की संगत ने ही करवाई। गुरु जी की संगत में मंदिर में शादी हुई। बत्रा अंकल ने पूरी अरेंजमेंट्स में पूरा का पूरा ध्यान करा, और सब कुछ संगत के मेंबर्स ने ही प्लानिंग करी। मैंने ना मेरे पेरेंट्स ने ना मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स ने, हम सब लोगों को कुछ नहीं पता था कि कैसे शादी होने वाली है, क्या होने वाला है, सेटअप क्या रहेगा, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं था। सब कुछ 100% प्लानिंग गुरु जी की संगत ने करवाई।
एक आंटी ने पूरा का पूरा मेहंदी का फंक्शन खुद ऑर्गेनाइज कराया, हमसे कोई हेल्प नहीं मांगी, ना मेरे मम्मी पापा से, ना मुझसे, ना मेरे हस्बैंड से, बिल्कुल कुछ, हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी, आंटी ने पूरा सब कुछ असेंबल करा। मथुरा अंगन में पूरी सारा सेटअप मंदिर के अंदर और जहां हमारी रिसेप्शन होनी थी वहां का सब कुछ उन्होंने डिसाइड करा, और सब कुछ उन्होंने बहुत बहुत ब्यूटीफुली, जैसे कि मैं उनकी खुद की बेटी हूँ, उस तरह से उन्होंने पूरी अरेंजमेंट्स कराई, इतने दिल के साथ, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी हेल्प करी कि मुझे ऐसा लगा कि लिटरली फैमिली मेंबर्स भी शायद से इससे ज्यादा इतना नहीं कर पाते जितना यहाँ की संगत के लोगों ने हमारी हेल्प करी, हमारा सब कुछ अरेंजमेंट्स कराया। एंड जब मैं इंडिया में थी और गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, उस टाइम पे मुझे कभी कभी बहुत, जब मैं किसी संगत की शादी में जाती थी तो कभी कभी बहुत ना अजीब सा फील होता था कि जब मैं शुरू में मंदिर जाती थी और सत्संग सुनती थी लोगों के, और लोग बताते थे, जैसे जो कई कई सालों से गुरुजी के साथ जुड़े होते थे तो वो बताते थे कि हमारी पूरी लाइफ में किस तरह से गुरुजी ने उन लोगों की हेल्प करा, कैसे उनकी शादी हुई या बच्चों की शादी हुई या बच्चे हुए या जो भी हुआ, पूरी लाइफ टाइम जो थी वो गुरुजी ने अपने हिसाब से प्लान करी, कैसे गुरुजी हर एक एक स्टेज में इन्वॉल्व थे, कितने लोगों की शादी गुरुजी ने अटेंड करी। तो वो सब मैं सत्संग सुनती थी तो उस टाइम तो मैं ऑटोमेटिकली अज्यूम करती थी कि ऑब्वियसली मेरी शादी में गुरुजी आएंगे। बट अब जब उन्होंने चोला छोड़ा तो मैं बहुत कभी कभी उदास सा फील करती थी कि मतलब अब गुरुजी तो है नहीं तो वो कैसे आएंगे। पर गुरुजी ने मेरी शादी में मुझे दिखाया कि कैसे वो आए। मेरी शादी गुरुजी के दरबार में थी और गुरुजी का पूरा स्वरूप वहां था, गुरुजी पूरे प्रेजेंट थे और गुरुजी की संगत इतनी सारी प्रेजेंट थी, उसके अलावा सारी संगत में इतनी खुशी और इतनी एनर्जी थी जो कि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि कोई बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, पर संगत जब आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे बाहर के लोग जिनको शायद मैं पर्सनली नहीं जानती बट जो गुरु परिवार का पार्ट है, ऐसे लोग आए मेरी शादी में, इतनी खुश रहे, इतने अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट करा कि मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि किस तरह से मैं गुरु जी की बेटी हूँ, जो कि गुरु जी ने एक टाइम पे मेरे पापा को कहा था कि ये शादी पूरी है। ये बात मुझे उस दिन अच्छे से नजर आई कि गुरु जी ने सच में मुझे अपनी बेटी माना है, सच में वो मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। फिर हाँ, हमारी शादी हुई और उसी टाइम पे जब मेरी हमारी शादी का प्लानिंग चल रहा था, उस टाइम पे गुरु जी ने एक और चीज मेरी लाइफ में चेंज करी, मेरी जॉब नहीं उन्होंने दिलवा दी और उसका टाइमिंग उन्होंने इतना परफेक्ट रखा कि शादी के टाइम पे मेरी कोई जॉब नहीं थी और मैं एकदम फ्रीली घूम सकती थी, बट एट द सेम टाइम मुझे पुरानी जॉब से कुछ सैलरी वगैरह एडजस्टमेंट की वजह से वो आ रही थी, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे कोई स्ट्रेस था, बट एकदम फ्री माइंड से मैं अच्छे से सब कुछ एंजॉय कर पाई और मुझे ने एकदम परफेक्टली हर चीज प्लान करी उस पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अभी रिसेंटली और मेरे भाई की भी शादी होनी थी उस टाइम पे, एंड अगर मेरा वो H1B स्टैम्पिंग का कुछ इशू चल रहा था तो ऑब्वियसली मेरा भाई चाहता था कि मैं उसकी शादी अटेंड करूं, और क्योंकि वो वीजा स्टैम्पिंग के लिए डेट्स वगैरह का सब कुछ इतना चक्कर चल रहा था तो कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे तो मैंने उसको बोला कि यार तुम लोग डिसाइड कर लो डेट, और गुरुजी की मर्जी है, अगर उन्होंने चाहा तो मैंने आना ही है, हम दोनों ने आना ही है, मेरे हस्बैंड ने और हमने आना ही है, तो हम डेट डिसाइड कर लेते हैं फिर गुरुजी पे छोड़ देते हैं कि क्या होगा। तो डेट डिसाइड हो गई शादी की उनकी, और एज गुरुजी विश
हमें H1B की स्टैंपिंग की डेट मिली एकदम परफेक्टली, सब कुछ हम कर पाए एकदम टाइम पे. मैं अपने भाई की शादी पे पहुंच पाई, अपना स्टैंपिंग करवा पाई. इनफैक्ट मैं गुरु जी का मंदिर खुला था अभी जब शिवरात्रि पे, तो उस दिन मैं पहले दिन जिस दिन खुला मंदिर उस दिन जाके गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी लेके आ पाई और फिर होली भी सेलिब्रेट कर पाई अपनी फैमिली के साथ आफ्टर सो मेनी इयर्स. तो गुरु जी हर एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में मेरी लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं. और मेरी जिंदगी का जो उन्होंने एक थीम दिया था कि मंगिया ना कर कम खराब कर लेंगी, उस पे बहुत अच्छी तरह से मैं चल पा रही हूँ अभी तक, कि मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ पर जो मैं सोचती हूँ उससे कई 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 ज्यादा गुरुजी मुझे ब्लेस कर देते हैं. तो अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और सोचती हूँ इस बारे में कि गुरुजी ने मुझे डांटा था कि मंगिया ना कर कम खराब कर लेंगी, उसका क्या मीनिंग था? उसका मीनिंग ये था कि मुझे नहीं पता है कि गुरुजी मुझे कितना कुछ देना चाहते हैं, कितनी बड़ी चीजें देना चाहते हैं, और मैं मेरी सोच नहीं पहुंच पाएगी उस तक. तो इसलिए गुरुजी ने मुझे डांटा था और बोला था कि मंगिया ना कर कम खराब कर लेंगी, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या मिलना है, और मैं जानता हूं कि कितना कुछ तुम्हें मैं दे सकता हूं अगर तुम मांगना छोड़ दो. तो इस वजह से मैंने ये पूरी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है अपनी जिंदगी में कि मैं गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगूंगी और गुरुजी मुझे ब्लेस करते रहेंगे. बस अभी के लिए इतना ही. और थैंक यू और शुक्राना टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे अब तक ब्लेस किया है. और मैं बहुत बहुत उनसे बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आगे भी मेरी जिंदगी में बस ब्लेसिंग देते रहें और सब कुछ ठीक रखें और नहीं भी ठीक रखे तो बस मेरा हाथ थामे रहें और मेरे साथ चलते रहें और बस अपने अपने पास रखें, अपनी संगत के पास रखें, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहें. जय गुरु जी.